हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या होता है ना, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है यूट्रस। यूट्रस के नीचे के पार्ट को बोलते हैं वजाइना, और यूट्रस का सबसे इनसाइड का पार्ट जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, इस चीज को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ओके, यहां से होता है मेंसिस, मतलब यहां से आपको पीरियड्स आते हैं, करेक्ट। ये है यूट्रस, जस्ट मार्क कर देता हूं, ये मैंने काफी बार ड्रॉ किया है लोगों के लिए। अब एंडोमेट्रियल पॉलिप मतलब क्या, देखिए ये एंडोमेट्रियम है, मतलब हर महीने जैसे पीरियड खत्म होता है वैसे ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग अंदर से हॉर्मोन्स के वजह से डेवलप होने का स्टार्ट हो जाता है, और अगर उस महीने में यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं रही तो ये लाइनिंग बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंसिस, पीरियड्स के माध्यम से। अब काफी बार इसके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसमें एक छोटा सा ग्रोथ डेवलप होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पॉलिप, करेक्ट। देखिए, पॉलिप बॉडी में बहुत जगह पे होता है। पॉलिप नाक में हो सकता है, गले में हो सकता है, इंटेस्टाइन मतलब अतड़ियों में हो सकता है, बट क्योंकि ये वाला पॉलिप होता है एंडोमेट्रियम में, इस चीज का नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियल पॉलिप। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ओके, सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का यह रहता है कि ये पॉलिप मुझे हुआ क्यों। आजकल के जमाने में आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे कॉमन वे टू फाइंड आउट द पॉलिप इज बाय डूइंग एन अल्ट्रासाउंड। ये कब होता है पता है आपको? आजकल ऑफिसेस में बहुत सारी जगह पे वो फ्री हेल्थ चेकअप और वो सब होता है ना, उसमें पब्लिक जाके इंट्रावेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें रिपोर्ट आता है फीचर सजेस्टिव ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप। ये पढ़ते ही पूरा गूगल का छानबीन करके डॉक्टर के पास में लोग आते हैं। ओके, ये बहुत कॉमन चीज है। ध्यान रखिए, पॉलिप होना इसका मतलब ये नहीं कि एज अ पेशेंट आपने कोई गलती किया है। सबसे पहले लोग हमको आके क्या पूछते हैं, अरे पर मैं तो एकदम हेल्दी खाना खाता हूं, मैं सिर्फ मैकडॉनल्ड का खाना खाता हूं, मैं सिर्फ डोमिनोज का खाना खाता हूं, मुझे तो सिर्फ पिज्जा पसंद है, तो मुझे पॉलिप कैसे हो सकता है, राइट? आपके खाने से, आपके स्मोकिंग करने से, आपके ऑफिस जाने से, ये सब चीजों का पॉलिप के साथ में कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या कि इट हैज गॉट नो फैक्टर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं पिन पॉइंट करके बोल सकूं कि नहीं 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 आपने खाने में नमक ज्यादा डाला ना, इसके वजह से आपको पॉलिप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? कॉमनली जब किसी को ये पॉलिप होता है तो उनको एक इररेग्युलर स्पॉटिंग, मतलब नॉर्मली क्या देखते हैं हम लोग कि जब पीरियड नहीं होते हैं तब लोगों को स्पॉटिंग नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट पॉलिप होने के टाइम पे ये चीज इररेग्युलर हो जाता है। मान के चलिए आपका 30 दिन का साइकिल है तो बीच में कभी भी नहीं होता, पर पॉलिप जब रहता है तब शायद 17th डे पे, 18th डे पे स्पॉटिंग पास हो गया। ये कॉमन है पॉलिप होने के साथ में, ऑलराइट? तो ये चीज का आपको एकदम इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पॉलिप का ट्रीटमेंट क्या है, ऑलराइट? देखिए, एज डॉक्टर्स हम पॉलिप का ट्रीटमेंट नॉर्मली साइज के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं। एज अ पेशेंट आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर पॉलिप की साइज 0.5 सेंटीमीटर से छोटी है तो शायद इस पॉलिप का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ना पड़े, अनलेस आपको प्रेगनेंसी चाहिए। ओके, मतलब अगर आप फर्टिलिटी के पेशेंट है तो शायद इस पॉलिप को भी रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है, बट अदरवाइज अगर आपको बच्चे हो चुके हैं तो 0.5 सेंटीमीटर से छोटे पॉलिप्स को रिमूव करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। मान के चलिए कोई पॉलिप 1 सेंटीमीटर के आसपास का है, मतलब साइज में बड़ा है, इस पॉलिप को हमेशा और सिर्फ एक बहुत छोटा सा सर्जरी बोलते हैं जिसका नाम है हिस्ट्रोस्कोपी। ये सर्जरी के माध्यम से ही किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या, देखिए अगर ये यूट्रस है तो वजाइना में से एक छोटा सा कैमरा, इस चीज को बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोप, वजाइना में से एक कैमरा पास होके यूट्रस के अंदर जाके ये जो अंदर का छोटा सा पॉलिप है इसको रिमूव करके बाहर आते हैं, राइट? अब ये एकमात्र ट्रीटमेंट है इस चीज का, ये बड़ा आसान ट्रीटमेंट है, इसमें बॉडी पे कोई कट नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, 5-6 मिनट में हो जाता है खत्म, ऑलराइट? पर हमारे कंट्री में लोग क्या करते हैं, ज्यादा डॉक्टर ने बोला सर्जरी के बारे में तो डॉक्टर चेंज कर देंगे, है ना, दूसरे डॉक्टर के पास में जाएंगे, कुछ ऐसा दवाई दे दो, ऊपर से भगवान को बुला दो, पॉलिप निकाल देगा भगवान। देखो, भगवान के पास में इतना टाइम नहीं है कि आके इतना छोटा सा पॉलिप निकालेगा, ठीक है? इस चीज को लेके एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है पेशेंट्स के लिए कि अगर ये डायग्नोज हुआ है प्लीज डॉक्टर के पास जाइए,
0.5 सेंटीमीटर से छोटे पॉलिप्स को नॉर्मली सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर उससे बड़े साइज के कोई भी पॉलिप 0.5, 8, 9, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हर पॉलिप को हिस्टरोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है। और इसके बाद में पेशेंट का जो प्रॉब्लम है इरेगुलर स्पॉटिंग का, इरेगुलर ब्लीडिंग का, ये परमानेंटली सॉल्व हो सकता है। वीडियो बंद करने के पहले एक चीज मैं आपको जरूर समझाऊंगा। सबसे कॉमन एज ग्रुप है बिटवीन 25 to 45 इयर्स। बट अगर किसी को एंडोमेट्रियल पॉलिप डायग्नोज होता है मेनोपॉज में, मतलब 50 to 53 इयर्स के एज के बाद में अगर आपको पता चलता है कि आपको पॉलिप है, तो आपको जरूर पॉलिप को निकाल के उसको बायोप्सी के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से कैंसर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक चीज एज अ पेशेंट, एज अ रिलेटिव आपको ध्यान में रखना है, सो दैट आप आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स को अच्छी तरह से गाइड कर सको। एंडोमेट्रियल पॉलिप को लेके और कोई भी क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपका जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।